शाम हो चुकी है, नदी के खूबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे। हम हैं अभी रिवर साइड पर, आप वीडियो पर बने रहें। और उत्तराखंड के पहाड़ों पर ये खूबसूरत सी नदी मुक्तेश्वर की पहाड़ियों से होके निकलती है, तो आगे आपको दिखाती हूँ। और यही पहाड़ों पर होने वाली कई प्रकार की फसलें और बगीचे जिनमें कई प्रकार के फल, सेब, आड़ू, पुलम, खुमानी, विभिन्न प्रकार के फल और फसलें यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। आप वीडियो में बने रहें और प्रकृति के इन सुंदर नजारों के साथ आइए शुरू करते हैं वीडियो। हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। करते हैं आज के खूबसूरत से व्लॉग की खूबसूरत सी शुरुआत। जी हाँ साथियों, आज मैं आपको विजिट कराती हूँ रिवर साइड का, और यहाँ पर सुंदर सी पहाड़ियाँ और घर से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ से करते हैं पैदल विजिट। और यहाँ मैं आपको बगीचे और फसलें क्या क्या लगा रखी है हमारे क्षेत्र में, और नदी पर कैसा सुंदर सा माहौल बना हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाती हूँ, और आप मेरे वीडियो में बने रहें। जी हाँ साथियों, अभी आपको दिखाती हूँ ये हो रखे हैं हमारे पहाड़ पर जौ, और इस साइड पूरे सेब में फ्लावरिंग हो रखी है, इस तरह से फूल आने लग गया है। आजकल पहाड़ों में बहुत ही अच्छी बारिश भी हो रखी थी। आपका सेब का गार्डन दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग हो रखी है, और यहाँ पर लोगों ने मटर लगा रखी है। और नीचे दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सी मटर हो रखी है, और यहाँ पर सेव में इस तरह से फूल आ रखा है, और धीरे धीरे फल भी सेट हो जाएगा। और सामने के गांव में हो रखे हैं भागवत, और शाम हो चुकी है। हम भी चल रहे हैं रिवर साइड पर अपने, वहां पर हमने काम लगा रखा है, क्योंकि अभी तक हम लोग कर रहे थे फैक्ट्री वर्क। और यहाँ पर हो रखी है भांग, ये देखिए नीचे पूरे खेत में भांग मटर के साथ, तो रखी लग रहा। देखिए चल, तो ये है किरमोड़ा, इसकी जड़, फल, पत्ते, सारी चीजें, तना कई प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। जी हाँ साथियों, अभी अब मैं अपने खेत पर आ गई हूँ। यहाँ पर हमने लगा रखी है बीन, ऊपर साइड पर छोटे पेड़ हैं, इस पर हमने नए सेब की वैरायटी लगा रखी है, और आगे और यहाँ से नीचे को आलू और ऊपर को बीन। अभी बीन थोड़ा बहुत निकलने लगी है, और यह है सेब, इसमें थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ फ्लावरिंग हो चुकी है। यहाँ पर एक छोटा सा प्लॉट है, और इसमें हमने लगा रखे हैं खेतों में नीचे आलू। आजकल बारिश हुई तो बहुत ज्यादा घास उगी हुई है। ये है सेब पर इस तरह से फूल आने लग गया, ये देखिए, ये है एप्पल में फ्लावर आने लग गए इस तरह से, फिर धीरे धीरे फल भी सेट होने लगेगा। कुछ ही पेड़ हैं यहाँ पर हमारा, क्योंकि हमारे हिस्से में बहुत कम, पूरी जमीनों का 1/20 हिस्सा भी नहीं है। तो हमने ये बगीचा परिवार डिवाइड होने के बाद तैयार कर रखा है, क्योंकि हमारे हक में पुश्तैनी जमीन के कोई भी एक पेड़ नहीं आया, जो हमने 16 सालों तक बहुत ज्यादा मेहनत करके बगीचे तैयार किए थे, और उसमें हमें कभी किसी ने सपोर्ट नहीं कर रखा है। सारे पेड़ हमने ही लगाए थे, और डिवाइड होते समय कोई पेड़ नहीं आया, और धीरे धीरे हमने एक छोटे से प्लॉट को तैयार किया। और अब ले जाती हूँ आपको रिवर साइड पर, छोटा सा एक टुकड़ा हमारा और रिवर साइड पर भी है। ये है चाचा लोगों की मटर, और ये है यहाँ पर आड़ू का बगीचा। देखो आड़ू में छोटे छोटे दाने आने लग गए हैं, सेट हो गया आड़ू, ये देख सकते हैं आप छोटे छोटे, और बड़े होने के बाद भी आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। हमारे वहाँ बगीचों के बीच में इस तरह से अन्य फसलें ली जाती हैं, देख सकते हैं आप, ऊपर सेब का बगीचा है, तो नीचे लोगों ने इस तरह से जौ और कहीं पर मटर, यहाँ पर तो जौ लगा रखी है और कहीं पर मटर लगा रखी है, तो कहीं पर आलू आप देख सकते हैं, इतना सुंदर फूल आ रखा है। इस तरह से फल सेट होगा तो
इस बार बारिश अभी जो बाद में भी हुई तो वो काश्तकारों के हित में बहुत ही अच्छी बारिश हो रखी है। ये है आड़ू का बगीचा। आड़ू के बगीचे में इस तरह से सुंदर सी मटर लगी हुई है और आगे दिखाती हूँ आपको, इस तरफ जौ लगी हुई है। यह है एप्पल गार्डन, यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से मटर लगा रखी है लोगों ने, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आलू आप देख सकते हैं कितने सुंदर हो रखे हैं आलू। अभी हमारा आलू उगा तक नहीं है। यहाँ पर इस तरह से बहुत सारी मेहनत करते हैं यहाँ के लोग, तो बहुत ही सुंदर तरीके से सेब के बगीचे के बीच में इस तरफ आलू और इस तरफ है मटर। यहाँ पर प्यारा प्यारा सा हो रखा है धनिया। यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं पूरे आलू बगीचे के बीच में, तो इस तरफ से हो रखी है इतनी सुंदर सी मटर। यह है मटर की फलियां। यह है नीचे रिवर, और यहाँ पर इस तरह से अभी आपको ले जाती हूँ अपनी साइड पर। जो आगे पत्थर फोड़ता है वो आता है, आगे जो पत्थर यहाँ पर हमने भी आलू लगा रखे हैं जो गुड़ाई के लायक हो गया है। और ये हैं छोटे छोटे से पेड़ आड़ू के, ये देखिए यहाँ पर लगा है फल। ये देखिए, और ये है कीवी के पेड़, छोटे छोटे पौध लगा रखे हैं इस बार कीवी की, और पत्ते आने लग गए हैं। यहाँ से पूरे खेत में हमने लगा रखा है आलू। अब मैं ले जाती हूँ आपको नीचे, इनमें लगा रखी है बीन, और अभी बीन उगी नहीं है यहाँ पे, और कोई कोई आने लगी है। ये है बीन का पौधा, और ये छोटे छोटे पेड़ आड़ू के, और ये बना रखा है हमने एक छोटा सा तालाब, और ये है पॉली हाउस, इसमें बो रखा है हमने धनिया। ये देख सकते हैं छोटा छोटा धनिया उगने लग गया। और नीचे ले जाती हूँ आपको रिवर साइड पे, और नीचे के खेत में हमने क्या लगाया है देखिए, सामने आप देख सकते हैं इतने बंजर को, और इससे सैकड़ों गाड़ी पत्थर रोड़ा हमने फेंका, और बड़ी मुश्किल से इन खेतों को मेंटेन किया हमने इस बंजर को। और यहाँ पे थोड़ा सा हमने मैदान कर दिया, यहाँ पे देखते हैं हम क्या बन सकता है। यह है हमारा पॉली हाउस, और ये वाली बंजर हमने अभी छोड़ रखी है, इसमें कुछ बनाएंगे टैंक या अन्य चीजें। और इसमें लगा रखी है हमने पूरी बीन, इन खेतों में वहां से लेके यहाँ तक बीन लगा रखी है। और यहाँ पे बीन कहीं कहीं पे उगने लगी, सड़ भी सकती है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमने भी इसको पानी डाल के खोदा था। और नीचे वाले खेत में लगा रखे हैं हमने आलू, सबसे ऊपर के खेत में और नीचे के खेत में। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी आलू धीरे धीरे गुड़ाई के लायक हो रहा है। और ये हमने यहाँ पर कीवी लगा रखी है, कीवी की पौध में पत्ते आने लग गए, और इस बार हमने कीवी की नर्सरी भी बना रखी है घर पे, तो कीवी के बीज बो रखे थे तो वो भी उगने लग गए। देखते हैं किस तरह से पौध तैयार होती है। आप देख सकते हैं आगे तक पूरा इसमें आलू लगा हुआ है, और ऊपर और नीचे दोनों साइड कीवी की पौध लगा रखी है। इसमें बहुत सारे पौधे मर भी गए हैं, ये देख सकते हैं ये सब कीवी है। ये है कीवी, पूरे खेत में आलू, पूरे पौध कीवी के ही हैं, किसमें छोटे पत्ते आ रखे हैं, कोई थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, ये भी कीवी है। इस तरह से हमने पूरी यहाँ पर कीवी लगा रखी है, ये कीवी, और ये पूरे तारवाड़ कर रखी है। अब चलती हूँ मैं नदी पे, कीवी कल से ये देखा भी होती है। ये पॉली हाउस, और ये दीवालें, और दीवालों से लग के हुए हमारे खेत पर ये है
नदी, आप देख सकते हैं सुंदर सी नदी है यहाँ पे और इसमें इतना पानी है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है रोड़े, इसी तरह से हमारे खेतों में भी यही हाल थे, हमने खेत खोद खोद करके इतना पत्थर निकाला, बहुत सारी मेहनत की है यहाँ पे। ऊपर पॉली हाउस और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है रिवर और ये है हमारे खेत, खेत से लग के दीवार। इस तरह से और यहाँ पे है नदी और इसके पीछे आप ऊपर जो चोटी पे दिख रही है धूप वो है मुक्तेश्वर की चोटियां, वहां से आती है यह रिवर और जो आगे जा करके रामगढ़ नदी पर मिलती है। एक खूबसूरत सा नजारा है यहाँ पर नदी का, तो आपको मैं बैक कैमरे के माध्यम से दिखाती हूँ और आप मेरे वीडियो में बने रहें। ये देखिए ये है नदी और ये है हमारे खेत और सामने मेरे हस्बैंड वीर भैया और मेरा बेटा और ऊपर चोटी जहाँ पे दिख रही है धूप वह है मुक्तेश्वर की चोटी। इतना अच्छा सा सुंदर सा यहाँ पे तालाब हो रखा है, इसमें मछलियां भी हैं। यह है नदी, शाम का टाइम है, एक खूबसूरत सा नजारा नदी का है आप देख रहे होंगे और हम भी थोड़ी देर नदी से पानी से खेल रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर पॉली हाउस है और ये पूरी दीवारें बनी हुई हैं और यहाँ से आगे आपको दिखाती हूँ, इस तरह से सामने ऊपर चोटियों पर धूप चलेगी, शाम होगी अंधेरा होने वाला है। और ये है नदी हमारी और पूरी नदी इस तरह से ऊपर से बह के आती है जो हमारे खेत के चारों तरफ किनारे किनारे बह के जाती है। और ऊपर पूरी नदी का यह है रोड़ा और ऊपर की तरफ थोड़ा लोगों ने अपना पत्थर इकट्ठा कर रखा है जो नदी में बह के आया होगा और हम भी यहाँ पे शेष पत्थर को हम भी अपनी ये दीवारों को बनाने के लिए यूज करेंगे जो यहाँ पे इस तरह से साइड पर पड़ा हुआ है। और ऊपर चोटियाँ बहुत ही सुंदर, धूप जो दिख रही है वो है मुक्तेश्वर की चोटी और वहीं से होके धीरे धीरे नदी आती है। अब गई मैं खेत पे, खेत पे आप देख सकते हैं ये है छोटी छोटी बीन। अब ले चलती हूँ पॉली हाउस के अंदर, ये है हमारे कृषि यंत्र, ये जो बेड बने हैं हमने इनमें कई बीज डाले थे, आपको दिखाती हूँ। ये जो छेद जैसे दिख रहे हैं इनमें पूरे बीज छुचंदर खा गया है यहाँ पर और कोई भी बीज नहीं होगा और केवल धनिया शेष है, मैणों पर जो हमने धनिया डाल रखा था धनिया बचा हुआ है। और ये स्ट्रॉबेरी के पौधे, वो तो पौधे थे, पौधों को नुकसान नहीं किया, बीज पूरा ही छुचंदर खा गया। और यहाँ पर एक मिर्च की नर्सरी तैयार हो रही है छोटी सी क्यारी, तो अब हम दोबारा से इसमें बीज डालेंगे, दो बार डाल दिया तिबारा से डालेंगे। और फिर अब आपको ले चलती हूँ ऊपर वाले खेत में, दिखाती हूँ वहाँ पे क्या हमारी ये दीवार से लग के नीचे वो सामने रिवर है और अभी शाम हो चुकी है और अब आपको आगे दिखाती हूँ यहाँ पे और सामने पेड़ बुरांस का दिखाना चाह रही थी, इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा, ये है ठीक सिर के पास में मेरे, ये है बुरांस रोडोडेंड्रोन। और यहाँ पे थोड़ा हब्स भी लगी हुई है वो भी मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे थोड़ा रोजमेरी भी, कितने सुंदर से प्लांट हो रखे हैं, यहाँ पे रोजमेरी लगी हुई है और यहाँ पे बीच में हम तुलसी भी डाल गए हैं, तुलसी की भी ये पौध उग रही है छोटे छोटे। और यहाँ पे मैं रोजमेरी की छोटी सी कटिंग लगा गई थी और यहाँ पे पूरी लगा गई थी मैं लेमन ग्रास, लेमन ग्रास अभी ठीक से उगी नहीं है, थोड़ा सा कल्ले देने लगी बाहर को, लेमन ग्रास मैंने लगाई थी बाद में। इस तरह से इस खेत में घास बहुत ज्यादा हो गई थी, मैंने आग लगा दी थी, उसके बाद ये देख सकते हैं जली हुई और उसके बाद ये लेमन ग्रास लगा गई तो ये इस तरह से उगने लगी है। अब ये सब जगह छोटे छोटे कल्ले आने लग गए ये लेमन ग्रास के यहाँ पे। और ये ठीक यहाँ से खेतों के चारों तरफ से नदी और यहाँ पर भी हमने आलू लगा रखा था, ये भी आलू उगने लग गया। और ये है महेल जिसमें नाशपाती भी
वट से कलम से इसमें नाशपाती भी बनाई जाती है और महल के भी कई बेनिफिट हैं। और ये पूरा यहाँ से लग के है खरसू का जंगल। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ये हैं खरसू, और सामने नदी पे ठीक वहां पे है पुल इस तरह से, और ऊपर सामने से हो रखी है लैंडस्लाइड, और वहां पर से थोड़ा लोगों ने पत्थर निकाल करके अपने खेतों को संभालने के लिए बनाया है और खेत टूट चुके हैं। तो ये है पॉली हाउस। चलो हाँ, ये है टैंक, ठीक है, जो पूरा खुद चुका है। ये बाउंड्री को कवर करने के लिए पूरे जाल लगा दिए गए हैं, और ये पूरा जंगल खरसू का है, छोटा सा जो जंगल है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और यह छोटी सी एक्टिविटीज पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई एक्टिविटीज के साथ, नए कार्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।